प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन बीइंग की हेल्थ यानी उसका स्वास्थ्य और उसको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। चैप्टर थोड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ चीजें इसमें याद करने वाली भी हैं, और इसी में ही इम्यूनिटी भी है, जिसमें समझना भी है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेक्चर नंबर 1। देखो, इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट का रेफरेंस दे रखा है, वो साइंटिस्ट का नाम है M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कंबाकोनम तमिलनाडु में हुआ था, साउथ इंडिया में। तमिलनाडु के कंबाकोनम में 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन यानी B.Sc. ग्रेजुएशन इन्होंने यानी अपना B.Sc. किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी M.Sc. B.Sc. और M.Sc. इन्होंने बॉटनी से किया और मद्रास यूनिवर्सिटी से किया। मद्रास यूनिवर्सिटी से बॉटनी में इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। ये एक्सपर्ट थे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के ये एक्सपर्ट थे। इन्होंने अच्छे अच्छे पौधे जिनमें अच्छे वाले कैरेक्टर्स थे उनको क्रॉस करा के नए नए उन्नत किस्म के पौधे तैयार किए थे, जिनमें पैदावार भी ज्यादा होती थी और जिनमें कोई बीमारी नहीं लगती थी। तो ये ब्रीडर थे, अच्छे किस्म के पौधों में क्रॉस करा करके और बेहतर पौधे प्रोड्यूस करते थे। तो ये एक्सपर्ट थे जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डेवलप यानी विकसित की थी, इन्होंने विकसित की थी शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम समय में तैयार हो जाती थी, हाई यील्डिंग यानी अधिक पैदावार वाली वराइटीज ऑफ राइस, चावल की वराइटी। इन्होंने चावल के कुछ ऐसे पौधे तैयार किए थे जो कम समय में तैयार हो जाते थे, शॉर्ट ड्यूरेशन, जिनकी पैदावार ज्यादा थी, हाई यील्डिंग। ये चावल की वैरायटी इन्होंने प्रोड्यूस की थी। और इन्होंने बासमती, जो खुशबूदार बासमती होता है, इसको भी डेवलप किया था। सेंटर्ड बासमती, बासमती चावल जो खुशबूदार होता है, इन्हीं का विकसित किया हुआ है। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लाए थे, ये कॉन्सेप्ट था क्रॉप कैफेटेरिया। देखो, एक होता है कैफे, कैफे वो जगह होती है जहां पर कॉफी मिलती है, और कैफेटेरिया, कैफेटेरिया वो जगह होती है जहां पर कॉफी के अलावा बहुत सारे स्नैक्स वगैरह सब मिलते हैं। आपको जाकर के खुद सामने देख करके, सामने लगा हुआ है काउंटर, आप काउंटर पे जाएंगे, सामने चीजें लिखी हुई, उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए कि ये चीजें आपको चाहिए हैं, और वो चीजें आपको ट्रे में दे देगा, और उसको आपको स्वयं ले जा करके बैठ करके खानी है। सेल्फ सर्विस होती है, स्वयं सेवा। तो चीजें आपको वहां से मेनू से देख करके, या सामने बोर्ड लगे रहते हैं उनके, या मेनू से देख करके चीजें आप ऑर्डर करते हैं काउंटर पे जा करके, और वो चीजें आपको ट्रे वगैरह में दे देगा, जिसको आप ले जा करके आराम से टेबल पे बैठ के आप वहां पर जा करके इसका आनंद लें। तो कैफेटेरिया ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं और सेल्फ सर्विस, आपको आना पड़ता काउंटर तक और चीजें ले जा करके आप उसको इस्तेमाल करें। क्रॉप कैफेटेरिया क्या है जरा समझो, उसी से रिलेटेड है।
ऐसा कैफेटेरिया जो क्रॉप से रिलेटेड है, फसलों से संबंधित है, ऐसे कैफेटेरिया में ये कहां होते हैं? क्रॉप कैफेटेरिया कहां होते हैं? क्रॉप कैफेटेरिया कुछ ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर रिसर्च चल रही है, शोध चल रहा है, वहां पर तमाम तरह के आसपास पौधे लगे रहते हैं, अलग अलग तरीके से उनमें खेती की जा रही है। तो किसानों को बुलाया जाता है, वहां पर किसानों को दिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी मिट्टी ऐसी है तो उसमें यह फसल लगाओगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा, यह हाइब्रिड सीड बोंगे तो इससे ज्यादा फसल होगी, इस पौधे की खेती ऐसे की जाती है, अगर ऐसे करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, खेती में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में बताया जाता है ताकि किसान अपने खेत में कोई भी फसल उगाए तो उसकी पैदावार ज्यादा हो और उसको ज्यादा फायदा हो, मुनाफा हो। तो किसानों को एक जगह पर बुलाया जाता है और उनको फसलों से संबंधित बातें बताई जाती हैं कि इस फसल को ऐसे बोना है, इस मिट्टी में ये ज्यादा अच्छी होती है, और उनको वहां पर कुछ फसलें यहां पर लगाई भी जाती हैं, उनको दिखाया जाता है देखो ये फसल ऐसे उगती है, ये फसल को बेहतर बनाने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा। तो क्रॉप कैफेटेरिया के माध्यम से किसानों को एक जगह पर बुलाना और वहां पर कुछ फसलों को डिमॉन्स्ट्रेट कर की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, कुछ फसलें लगी रहती हैं, उन फसलों के माध्यम से किसानों को शिक्षित करना, बताना कि इन तरीकों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल बेहतर होगी, कौन से हाइब्रिड सीड बोना है यह भी बताना और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना है खेती के दौरान वो भी बताना, समय समय पर जो नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं खेती के उनके बारे में भी बताना क्रॉप कैफेटेरिया के माध्यम से। तो यहां पर किसानों को इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को और नई चीजों को बताया जाता है जिससे किसान बेहतर खेती कर सकें और उनको ज्यादा फायदा हो। तो इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट लाए थे ये स्वामीनाथन जी, और क्रॉप शेड्यूलिंग भी, कौन सी फसल किस समय बोनी है उससे आपको कितना फायदा होगा, आपके खेत में इस समय ये वाली फसल बोएंगे तो इससे फायदा होगा, और किस समय बोना है, शेड्यूलिंग ये सब बताना, एंड जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी, जेनेटिकली पौधों की पैदावार और उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए यह भी बताना कि दो अच्छे किस्म के पौधे हैं उनमें क्रॉस करा करके एक ऐसा पौधा तैयार किया जिसमें बहुत सारे अच्छे वाले कैरेक्टर आ जाएं। मान लो एक ऐसा पौधा था जिसमें पैदावार ज्यादा थी, चावल का एक ऐसा पौधा जिसकी जिसमें पैदावार ज्यादा थी, उसका चावल के एक ऐसे पौधे से क्रॉस कराया गया जिसमें कोई बीमारी नहीं लगती थी, उन दोनों को क्रॉस करा के एक ऐसा पौधा तैयार किया गया जिसकी पैदावार तो ज्यादा थी ही, उस पर कोई बीमारी भी नहीं लगती थी। तो जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड, इस तरीके से पैदावार बढ़ाना, और क्वालिटी, मान लो कोई गेहूं का पौधा तुमने तैयार किया, वीट का पौधा, और बेहतर पौधा तैयार किया जिसकी पैदावार भी ज्यादा है और उसके अंदर प्रोटीन भी ज्यादा है, यानी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसके अंदर प्रोटीन वगैरह ज्यादा है, यानी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो फिर से देखो, एमएस स्वामीनाथन जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कंबाकोनम तमिलनाडु में हुआ था। बीएससी और एमएससी इन्होंने बॉटनी में किया था मद्रास यूनिवर्सिटी से। ये एक्सपर्ट थे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में। इन्होंने बहुत सारी चावल की वैरायटी पैदा की थी जो कम समय में अधिक पैदावार देती थी और खुशबूदार बासमती भी विकसित किया। इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट लाए जिसमें किसानों की समस्याओं का निराकरण और उनको नए नए तरीके बताए गए खेती करने के, कौन सी फसल किस समय बोनी, क्रॉप शेड्यूलिंग, और जेनेटिकली किसी फसल को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसकी यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, और जो दाने हैं उनमें
उनकी क्वालिटी कैसे बेहतर की जाए, उनमें प्रोटीन वगैरह कैसे बढ़ाया जाए। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। ये इंडिया में हरित क्रांति के जनक थे। इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है 1960s में आई, 60s का मतलब ये होता है 61 से लेकर 69 के बीच, 61 से लेकर के 69 के बीच में, 61 से 69 के बीच में 60s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति। गेहूं और चावल की बहुत ज्यादा पैदावार हुई थी, उसके लिए यही जिम्मेदार थे स्वामीनाथन जी। तो स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन दुनिया में ये इंडिया में है, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इन्हें माना जाता है स्वामीनाथन जी को, लेकिन वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। इन्होंने इंडिया में जो गेहूं की वैरायटी थी, जो नई गेहूं की वैरायटी बनाई थी, वो एक मैक्सिकन गेहूं किससे क्रॉस करा के, मैक्सिको से गेहूं का पौधे लाए थे और इंडिया के गेहूं के पौधों के साथ इनका क्रॉस कराया था। मैक्सिकन वीट का क्रॉस इंडियन वीट से कराया और अच्छे अच्छे वीट के पौधे पैदा किए। जो ड्वार्फ थे, बौने थे, छोटे साइज के थे, जिनमें पैदावार यानी ईल्ड ज्यादा थी, ईल्ड ज्यादा थी और जिन पे कोई बीमारी नहीं लगती थी, डिजीज रेजिस्टेंट थे, डिजीज रेजिस्टेंट। तो इंडिया में जो गेहूं की पैदावार बढ़ी है, वीट की पैदावार, जो ये वीट का पौधा डेवलप किया गया है, वो मैक्सिको के वीट के पौधे से क्रॉस करा के। ये सवाल बहुत पहले कभी आया है। इन्होंने शुरुआत की थी, ही इज इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई वो किसान के खेतों तक पहुंचाई। लैब में जो भी तरीके खेती को बेहतर बनाने के लिए पैदा किए, उसको किसान के खेतों तक पहुंचाया गया, लैब टू लैंड। और ये खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। ने कहा खाद्य सुरक्षा बिल होता ना, कि हर एक को इतना अनाज मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, घर पे राशन कार्ड वगैरह होते हैं, उनके जरिए लोग अनाज ले आते हैं राशन की दुकानों से, राशन कार्ड की मदद से सरकार हर एक का पेट भरने के लिए संकल्पित है। इन्होंने ही शुरुआत की थी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की, शुरुआत इन्होंने शुरुआत की, जिसको हर एक सरकार लागू करती है। राशन कार्ड के जरिए हर एक को उतना भोजन उपलब्ध कराना जिससे उसका जीवन चल सके, उसका पेट भर सके। इनको पद्म भूषण और बहुत सारे प्रतिष्ठित अवार्ड से, इनाम से नवाजा गया। इनको पद्म भूषण दिया गया और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना, ये छोटे से जीवनी, दो तीन बातें इनकी ध्यान रखना। ये एक्सपर्ट्स थे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में, और इन्होंने चावल की कम समय में अधिक पैदावार वाली वैरायटी डेवलप की थी, और खुशबूदार बासमती भी इन्होंने पैदा किया था। इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया की शुरुआत की थी, क्रॉप शेड्यूलिंग की शुरुआत की, इनको कहा जाता, हाँ, और जेनेटिकली इंप्रूव किया था पौधों के पैदावार को, और उनकी जो अनाज थी उसकी क्वालिटी भी बेहतर बनाई थी। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। इन्होंने इंडिया में जो गेहूं की वैरायटी, जिसकी वजह से हरित क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, गेहूं की वैरायटी वो मैक्सिकन वीट से क्रॉस करके बनाई थी। और ये शुरुआत इन्होंने की थी लैब टू लैंड। जो भी नए नए तरीके विकसित किए थे लैब में रिसर्च के द्वारा, वो किसानों के खेत तक पहुंचाए गए। और खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम कार्यक्रम, या खाद्य सुरक्षा बिल आया था, गवर्नमेंट लाई है खाद्य सुरक्षा कानून, हर एक व्यक्ति को उतना अनाज मिलना चाहिए जिससे उसका पेट भरे, अनाज की गारंटी हर एक व्यक्ति के लिए, शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, इन्होंने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इनको पद्म भूषण और तमाम प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ये याद कर लेना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर शुरू करते हैं।
हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब क्या होता है? शरीर शरीर और मस्तिष्क की वो अवस्था, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर और हमारे दिमाग की वो अवस्था, स्टेट, जो वेयर देयर वॉज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, जहां पर कुछ ह्यूमर्स का आपस में बैलेंस है। ह्यूमर्स कहते हैं लिक्विड, द्रव्य, लिक्विड। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में कुछ लिक्विड्स पाए जाते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, इनमें एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर और हमारे दिमाग की स्थिति नॉर्मल रहती है। तो हेल्थ क्या है? हमारे शरीर और हमारे दिमाग की अवस्था, जो कुछ लिक्विड के बैलेंस होने की वजह से बनी रहती है। हमारे शरीर में चार तरह के लिक्विड्स होते हैं, ऐसा मानते थे अर्ली ग्रीक्स, ग्रीक के शुरुआत में रहने वाले लोग, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स और हमारा आयुर्वेदा। आयुर्वेद ये मानते थे कि हमारे बॉडी में चार तरह के ह्यूमर्स होते हैं, हमारे शरीर में चार तरह के लिक्विड होते हैं, इनमें बैलेंस बना रहता है, इनमें संतुलन, तो हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। कौन कौन से लिक्विड होते हैं हमारे शरीर के अंदर? हमारे शरीर के अंदर चार तरह के ह्यूमर्स यानी लिक्विड्स होते हैं। एक कहलाता है ब्लैक बाइल, काले रंग का लिक्विड होता है ब्लैक बाइल। एक होता है येलो बाइल, पीले रंग का लिक्विड होता है येलो बाइल। ब्लड रेड कलर का लिक्विड है। और फ्लेग्म यानी श्लेष्म, बलगम वगैरह कह लो, बलगम होता है म्यूकस, ये चिपचिपा लिक्विड है। हमारे शरीर में, या कफ कह लो, फ्लेग्म कफ भी कहते हैं लोग, कफ। आयुर्वेद वाले कुछ और, आयुर्वेद वाले क्या कहते हैं? कफ, पित्त, वात, ये सब बोलते हैं ना। तो हमारे शरीर में चार तरह के लिक्विड्स पाए जाते हैं, यानी चार तरह के ह्यूमर्स होते हैं। तो वो ह्यूमर तुम कहां पढ़ते हो? आंख में पढ़ते हो, आईज में? एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लिक्विड होते हैं ना आंख के अंदर, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो ह्यूमर चार तरह के लिक्विड हमारे शरीर के अंदर, ऐसा मानते थे अर्ली ग्रीक और आयुर्वेदा। कौन कौन से चार तरह के लिक्विड हमारे शरीर में है? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फ्लेग्म। इनमें अगर बैलेंस बना रहेगा, संतुलन रहेगा, तो हमारी बॉडी और हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर काला बाइल ज्यादा मौजूद है, पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये काले वाला बाइल यानी काले रंग का जो लिक्विड है वो ज्यादा है, वो हॉट पर्सनैलिटी के माने गए हैं, यानी उनके बुखार हो सकते हैं, उनको फीवर हो सकता है। हॉट का मतलब उनको बुखार होगा, उनमें काला वाला बाइल ज्यादा हो गया है तो बुखार होगा। तो स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के लिए इन चारों में बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी में, देखो कहते ना कि येलो बाइल ज्यादा हो गया है तो पीलिया हो जाता है, क्या हो जाता है? पीलिया, जॉन्डिस, वैसे ही है सब। तो इन बाइल्स में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस, तभी हम हेल्दी रह सकेंगे। आगे देखो, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी कि हमारे शरीर में ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर बहता है, आर्टरीज में और वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और इस ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया।
कि शरीर में चार तरह का लिक्विड होता है, इसको डिस्प्रूव कर दिया, इसको गलत साबित कर दिया। तो यह ध्यान रखना कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की विलियम हार्वे ने, और ये जो ह्यूमर वाली थ्योरी है इसको गलत साबित कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। बाद में लेटर ये पता लगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी जिम्मेदार होते हैं। बाद में पता लगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स, ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, ये हमारे मस्तिष्क को और हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे कि हमारे हेल्थ बनी रहती है। तो बाद में ये पता लगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस टिश्यूज और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स, ये हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को और हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो हमारे माइंड और इम्यून सिस्टम हेल्दी रहता है इन्हीं न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से, ये बाद में पता लगा। तो ये ध्यान रखना, हेल्थ क्या होता है, शरीर और दिमाग की वो स्थिति जिसमें चारों तरह के लिक्विड में बैलेंस होता है। अर्ली ग्रीक हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेदा ये मानते हैं कि हमारे शरीर में चार तरह के लिक्विड्स होते हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फ्लेग्म, इनमें बैलेंस होना चाहिए। जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाता है वो पर्सन, उनको फीवर्स आ जाते हैं, बुखार आ जाता है। येलो बाइल ज्यादा होने से पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और ये लिक्विड वाली थ्योरी, ह्यूमर वाली थ्योरी को गलत साबित किया। बाद में ये भी पता लगा कि न्यूरॉन्स और हार्मोन्स यानी न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी हमारे माइंड और इम्यून सिस्टम को, की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा स्वास्थ्य है ये प्रभावित होता है, ये स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसके तीन कारण एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, कोई बच्चे ने जन्म लिया और उसमें कोई खानदानी बीमारी है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे बच्चा डाउन सिंड्रोम है या बच्चे को हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है, तो ऐसी बीमारियां जो माता पिता से बच्चे में आती हैं, चाइल्ड इनहेरिट करता है पेरेंट से, यानी वो बीमारियां जो माता पिता से बच्चे में आती हैं, अनुवांशिक बीमारियां जो बच्चे में जन्म से होती हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। फिर आता है इन्फेक्शंस, संक्रमण, बहुत सारी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाती हैं, कॉन्टेमिनेट हो जाती हैं, जैसे कोरोना वायरस ही चल रहा है ये, तो वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं वो इन्फेक्शंस होते हैं। तो इन्फेक्शन से भी जो संक्रमित बीमारियां किसी को अगर हो जाती हैं तो उससे उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। और तीसरा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब हम उल्टा सीधा जो खाते रहते हैं, फास्ट फूड वगैरह, एक्सरसाइज नहीं करते, आराम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना और पानी जो खा रहे हैं, पी रहे हैं वो भी गंदा है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जीवन शैली, जिसमें हम फास्ट फूड को ज्यादा अहम महत्व देते हैं, मैदे वगैरह से बनी चीजें ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते रेगुलर, आराम करते हैं, तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हेल्थ अफेक्टेड होती है, स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है तीन कारणों से।
एक तो बीमारी बच्चे में आ गई माता पिता से, उन्हें कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, उससे हेल्थ इफेक्टेड होगी। दूसरा इंफेक्शन, कोई संक्रमण हो गया हमें वायरस का तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लाइफस्टाइल, जीवन शैली से भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उल्टा सीधा खाते हैं, खा करके फौरन लेट जाते हैं, सो जाते हैं, कोई व्यायाम वगैरह नहीं करते। तो लाइफस्टाइल, जीवन शैली से भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इंफेक्शन से और लाइफस्टाइल, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हेल्थ होती क्या है, एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी के हिसाब से हेल्थ होती क्या है। हेल्थ का यह मतलब नहीं है कि हमें कोई बीमारी, शरीर में कोई बीमारी ना होना या आप फिजिकली फिट हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का यह मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, या आप फिजिकली फिट हैं। आप में कोई बीमारी नहीं है, आप फिजिकली फिट भी हैं, लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं या सामाजिक रूप से डिस्टर्ब हैं, तब भी आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। हेल्थ का मतलब फिजिकल फिटनेस तो होता ही है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, आपको कोई बीमारी ना हो। साथ ही साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब फिजिकल, आप हेल्थ का मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से आप फिजिकली फिट हो, आपको कोई बीमारी ना हो, आप फिट हो, भौतिक रूप से आप स्वस्थ हो, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, दिमाग में कोई उल्टे सीधे विचार ना आ रहे हो, और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, वेलबींग बेहतर हो। अब सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की निशानी क्या है, अब सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो समाज में आप बढ़िया से बात करेंगे, सबसे मिलजुल के बात करेंगे। आप सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप अकेले अकेले रहेंगे, लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, स्टेज वगैरह पे जाके परफॉर्म करने में आपको दिक्कत होगी, हाथ कांपने लगेगा, सामाजिक रूप से अस्वस्थ होने की निशानी है। समाज में आप जुड़ नहीं पा रहे हैं समाज के लोगों के साथ, अकेले रहना पसंद करते हैं, समाज के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे चीजों में, तो सोशली भी अनहेल्दी होंगे। तो हेल्थ का मतलब केवल फिजिकल नहीं होता, फिजिकल का मतलब ये हो गया कोई आप बिल्कुल फिट है, आपकी बॉडी, आपको कोई बीमारी नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। हेल्दी पीपल जो होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, जो स्वस्थ लोग होंगे वो काम बेहतर करेंगे, एफिशिएंट एट वर्क, अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। जब काम बेहतर तरीके से करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसा भी आएगा, धन्य धान से पूर्ण होंगे। तो हेल्दी लोग अच्छे काम अच्छे से करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं, काम अच्छा होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पैसा बढ़ता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। हेल्थ से क्या होता है, हेल्थ बेहतर रहने से आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, लॉन्जिविटी, हेल्थ बढ़ने से आपकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आप 60 साल जीते हैं तो अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप 80 साल जी लेंगे। रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और इसको बोलते हैं MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आती है और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। जब आप हेल्दी होंगे तो IMR में कमी आती है, आपके बच्चे जो होंगे वो मरेंगे नहीं, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, और माएं जो स्वस्थ हैं वो भी नहीं मरती, MMR में भी कमी आती है, मातृ मृत्यु दर में भी कमी आती है।
बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई एंड रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, ये अच्छी सेहत के लिए, अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन, अपनी खुद की साफ सफाई और लगातार व्यायाम जरूरी होता है। योगा इज ए गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, आपके शरीर के लिए और आपके मस्तिष्क के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योगा अच्छा होता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योगा बेहतर होता है। योग करना जरूरी है, योगा पूरे दुनिया के लोग अब करने लगे हैं। अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चाहिए, गुड हेल्थ रिक्वायर्ड्स, अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, कोई भी बीमारी है उसके प्रति आप जागरूक रहें तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। जागरूक हैं आप, मास्क लगा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, सैनिटाइजर से हाथ पोछ रहे हैं, आपको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो रहा है, आप हेल्दी हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए जो बीमारी है उसके बारे में आपकी को जागरूक हो तभी उस बीमारी से आप बचे रहेंगे और हेल्दी बने रहेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो कूड़ा है वेस्ट उसका नियमित रूप से निस्तारण हो, घरों से निकलने वाला कूड़ा और अस्पताल से निकलने वाले कूड़े का सही से निस्तारण हो, उसको सही जगह पर डंप किया जाए, ले जाकर डाला जाए, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वो बीमारियां जो वेक्टर्स के माध्यम से फैलती हैं, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह है, मलेरिया है जो मच्छरों से फैलता है, मच्छर बीमारी को फैलाते हैं, इन्हें वेक्टर्स बोलते हैं, तो इन मच्छरों को भी मारना है, इन पे कंट्रोल करना है, तभी इन बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकेगा। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो बीमारियां वेक्टर्स यानी मच्छरों के जरिए फैल रही हैं, तो मच्छरों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा अच्छी सेहत के लिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, जहां पर हमारा भोजन है किचन वगैरह, और जहां हमारा पानी रखा जाता है टंकियां वगैरह, तो फूड और वाटर रिसोर्सेज उनका उचित प्रबंधन हो, वहां पर भी साफ सफाई हो, हाइजेनिक होना चाहिए, खाना सफाई से हो और पानी भी सफाई से मिलना चाहिए, तभी से आपकी आपको बेहतर सेहत मिलेगी। तो अच्छी सेहत के लिए क्या क्या होना चाहिए, कोई बीमारी है उसके प्रति आप जागरूक रहें वरना वो बीमारी आपको पकड़ लेगी और आपकी सेहत अच्छी नहीं रह पाएगी। तो अच्छी सेहत के लिए बीमारी जो भी है बीमारियां उनके बारे में आप जागरूक हो, गंदगी कूड़ा कचरा वगैरह है इसका सही से निस्तारण हो, डिस्पोजल हो, मच्छर वगैरह वेक्टर्स वगैरह पे कंट्रोल किया जाए, और खाने खाना और पानी जहां पे रखा जाए वो जगहें साफ हो। तो अच्छी सेहत के लिए चार चीजें ध्यान रखना ही जरूरी होते हैं। आगे देखें, कहता व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कहता है जब हमारे शरीर क्या एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, हमारे शरीर का कोई ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, ये सब ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम क्या हो गए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्क्रिटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम है। तो कहता है कि जब हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएं, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएं, तो उनका काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ा जाएगी। जब हमारे शरीर के ऑर्गन्स यानी अंग और ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र किसी बीमारी की वजह से खराब हो जाएं, तो क्या वो ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। जैसे लीवर खराब हो जाता है जॉन्डिस यानी पीलिया में जॉन्डिस में लीवर खराब हो जाता है, लीवर बुरी तरीके से प्रभावित होता है, एडवर्सली अफेक्टेड होता है,
हमारी आंखें पीली, आंखों में पीलापन आ जाता है, खाल पे पीलापन आ जाता है। तो जब कभी भी हमारा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित होता है तो कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, विच इज कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम। साइंस एंड सिम्टम हो गए लक्षण, जैसे पीलिया हुआ, हमारा लीवर खराब हुआ ऑर्गन, आंखें पीली दिखाई पड़े, यूरिन पीले रंग का हो रहा काफी। तो कोई बीमारी जब होती है तो कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित होता है, लक्षणों के रूप में यह चीज बाहर दिखाई पड़ती है। लीवर के खराब होने से आंखें और यूरिन पीला हो रहा है, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमको कोई बीमारी हो गई है। तो जब हमारे कोई ऑर्गन और या ऑर्गन सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित हो, जिनको हम कैसे जानेंगे, लक्षणों के द्वारा हम ये जान जाएंगे कि हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पे असर पड़ रहा है, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। वी आर नॉट हेल्दी, इसका मतलब हमें कोई बीमारी हो गई है, दैट वी हैव अ डिजीज। बीमारियां दो तरह की बेटा होती हैं, एक कहलाती है इंफेक्शियस और दूसरी कहलाती है नॉन इंफेक्शियस, संक्रमित होने वाली और संक्रमित ना होने वाली। वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं, कॉन्टेमिनेट हो जाती हैं, वो इंफेक्शियस कहलाती हैं। जैसे कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा, HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा, कॉमन कोल्ड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा, निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा चला जाएगा, टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा चला जाता है, खाने या पानी के जरिए टाइफाइड फैलता है। तो वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती हैं, उनको हम कहते हैं इंफेक्शियस। आगे पढ़ेंगे इन बीमारियों के बारे में। नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होती, कॉन्टेमिनेट नहीं होती। जैसे कैंसर, अगर कोई व्यक्ति जिसको कैंसर है वो आपके पड़ोस में बैठा है तो आपको कोई वो बीमारी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, आपको कैंसर नहीं हो जाएगा, वो ट्रांसमिट नहीं होती। तो कैंसर एक नॉन इंफेक्शियस डिजीज है। कैसी है? नॉन इंफेक्शियस, संक्रमित नहीं होती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे नहीं जाती, संक्रमित नहीं होती। कैंसर के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, हम अलग से बताएंगे, ये भी दे रखा है इस चैप्टर में। तो डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इंफेक्शियस। वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं, उनको इंफेक्शियस कहते हैं। इंफेक्शियस डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं, ये बहुत कॉमन देखी गई हैं लोगों में होती हैं। जैसे एड्स होती है, HIV से होती है, एड्स एक इंफेक्शियस डिजीज है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, सेक्सुअल कोर्स के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती हैं बीमारियां। तो वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं वो इंफेक्शियस कहलाती हैं, जैसे एड्स। कैंसर एक नॉन इंफेक्शियस डिजीज है, लेकिन दुनिया में मरने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है। ये मेजर कॉज ऑफ डेथ इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस कैंसर की वजह से मरते हैं। डेडली डिजीज है, बहुत सारे लोग साल में हर साल कैंसर से मर जाते हैं, लेकिन कैंसर एक नॉन इंफेक्शियस डिजीज है, संक्रमित नहीं होती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो तरह की बीमारियां, इंफेक्शियस यानी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, और नॉन इंफेक्शियस जो ट्रांसमिट नहीं होती। इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल NCERT ने इनके दे रखे हैं, कुछ इनके दे रखे हैं, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये तो बीमारियां होंगी जो हमारे शरीर के को खराब करती हैं, जो फिजिकल हेल्थ है उसको खराब करती हैं, जो हमारे शरीर की फिजिकल हेल्थ कह लो उसको खराब करती हैं।
लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे दवाइयां हैं नशे की, कुछ नशे की दवाइयां होती हैं ड्रग्स और अल्कोहल यानी शराब, इनकी आदत पड़ने लग जाती है, ये एडिक्शन करती हैं और हमारे दिमाग को खराब करती हैं, हमारी माइंड की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह होती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति नशे की दवाइयां और शराब का सेवन करता है, धीरे धीरे इन दवाइयों की और अल्कोहल की उसको आदत पड़ जाती है, क्योंकि एडिक्शन करती हैं। एडिक्शन के बाद डिपेंडेंस हो जाती है, निर्भरता हो जाती इन पर, फिर आसानी से नहीं छूटती ये, और फिर उस मरीज को साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ता है, दिमाग के डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका दिमाग अब स्वस्थ नहीं है, वो नशे की आदत में फंस चुका है और उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, उस दुष्चक्र से, उस विशियस साइकिल से निकल नहीं पा रहा, तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। तो इस चैप्टर में यह भी दे रखा है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बारे में भी दे रखा है, जो नशे की दवाइयों और अल्कोहल की वजह से खराब होती है। तो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का मतलब होता है इनका गलत इस्तेमाल। दवाइयों का इलाज, दवाइयों का इस्तेमाल इलाज के लिए होना चाहिए, नशे के लिए नहीं। अल्कोहल कभी ले लिया वो अलग बात है, लेकिन आदत नहीं डालनी है, इसका गलत इस्तेमाल करना, इससे भी हमारे हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ बुरी तरीके से प्रभावित होती है, अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। हमारी नशे की दवाइयों से भी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है, एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर दे रखा है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी कॉमन डिजीजेस होती हैं, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी कॉमन डिजीजेस होती हैं उनके बारे में दे रखा है। इनमें से कुछ इंफेक्शियस हैं, संक्रमित हो जाती हैं, और कुछ नॉन इंफेक्शियस हैं, संक्रमित नहीं होती। इसमें देखते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी ने कुछ दे रखा है, पैथोजन के बारे में दे रखा है। ये पैथोजन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है उसे पैथोजन कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है वो पैथोजन कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंस। बैक्टीरिया से हमको कॉलरा हो सकता है, हैजा, प्लेग हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है। वायरस से तमाम बीमारियां होती हैं, वायरस से तुम्हारा एचआईवी से एड्स हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, कोविड-19, ये सब बीमारियां वायरस से होती हैं। फंजाई से बीमारियां हो जाती हैं, फंजाई से हो जाती है दाद, खाज, खुजली, रिंगवर्म, एथलीट फूट, पैरों में खुजली होने लगती है उंगलियों के बीच में, एथलीट फूट फंजाई से होती, कवक से, प्रोटोजोआ से, एंटामीबा से, डिसेंट्री, एंटामीबा से हो जाती है अमीबियासिस, खूनी पेचिश हो जाती है प्रोटोजोआ से, एंटामीबा से, जियार्डिया से जियार्डियासिस, ये प्रोटोजोआ है जो बीमारी करते हैं, हेलमिंथ से, एस्कैरिस से, एस्कैरिस से हमारे पेट में बीमारियां होने लगती हैं। तो एस्कैरिस हमारे पेट में होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी हमारे शरीर में पैदा करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। ज्यादातर पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी पैथोजन है, हमारा स्वास्थ्य खराब करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, उनको पैथोजन कहते हैं। पैरासाइट्स जो हैं, जैसे जुए हैं लीस,
ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी पैथोजेनिक होते हैं, ये भी पैथोजेंस हैं। ज्यादातर पैरासाइट्स जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, एस्कैरिस है, एस्कैरिस हमारे पेट के अंदर रहता है, गोलकृमि, राउंड वर्म, ये एक पैरासाइट हमारे पेट में रहता है लेकिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो पैथोजेनिक भी है, पैथोजेन भी है ये। तो ज्यादातर पैरासाइट जो होते हैं वो पैथोजेन होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमें, बिकॉज दे हार्म टू द होस्ट, जो होस्ट को यानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आगे देखो, ये जो पैथोजन कैसे एंटर करते हैं हमारे शरीर में, कैसे पहुंचते हैं, ये जो पैथोजन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, ये पैथोजन कैसे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, ये हमारे शरीर में कई तरीकों से, वेरियस मीन्स, कई तरीकों से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के खांसने और छींकने से, कोई पड़ोस में व्यक्ति बैठा वो खांस रहा हो, छींक रहा है, उसकी जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ जाती हैं छींकने से, जिनको एरोसॉल्स कहते हैं, और कोई बगल में व्यक्ति बैठा वो सांस के दौरान वो एरोसॉल्स उसके शरीर में चले गए, तो उन एरोसॉल्स के अंदर पैथोजन है, पैथोजन उनके शरीर में चले जाते हैं। तो छींकने से, खांसने से संक्रमित व्यक्ति का खून, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका खून ही खराब था पहले से, किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो ये पैथोजन उसके स्वस्थ व्यक्ति के, हेल्दी पर्सन के शरीर में भी चले जाते हैं। तो ये जो पैथोजन होते हैं वो कई तरीकों से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, ब्लड के जरिए आ सकते हैं, एरोसॉल्स के जरिए आ सकते हैं, गंदे भोजन के जरिए आ सकते हैं, गंदे पानी के जरिए आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, संक्रमित सुई इंफेक्टेड इंजेक्शंस के थ्रू आ सकते हैं, सेक्स के दौरान आ सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू आ सकते हैं। तो पैथोजेंस जो होते हैं हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं अलग अलग तरीकों से, शरीर में जाकर के ये मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी जो नॉर्मल जैविक क्रियाएं हैं उनको उनको गड़बड़ कर देते हैं, उनके साथ ये इंटरफियर करते हैं। तो पैथोजन कई तरीकों से हमारे शरीर में चले जाते हैं, अंदर जाकर के ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और हमारी नॉर्मल जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कुछ मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होते हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं या हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, और फंक्शनल डैमेज, ये हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो फंक्शनल डैमेज, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज ऐसे समझ लो, शरीर पर दाद खाद खुजली हो रहा है, रिंगवर्म, तो सब ये शरीर पर दिखाई पड़ेंगे रिंगवर्म, तो खाल को खराब करते हैं फंजाई, जो फंजाई कवक होते हैं वो रिंगवर्म का कॉज करते हैं, रिंगवर्म, दाद खाद खुजली सुना होगा, तो शरीर पर धब्बे आने लगेंगे, ये एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल डैमेज है। जॉन्डिस में पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया, हेपेटाइटिस बी से हो गया, लीवर खराब हो गया, ये फंक्शनल डैमेज है। क्या ये एक तरह से हमारे ऑर्गन का फंक्शन खराब हो रहा है बीमारी से, तो ये फंक्शनल डैमेज हो रहा है। तो पैथोजन कई तरीकों से हमारे शरीर में चले जाते हैं, अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज यानी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ाते हैं, उनके उनको साथ इंटरफियर करते हैं, और हमारे इससे परिणाम क्या होता है, रिजल्टिंग परिणाम क्या होता है, हमारे शरीर पे कुछ चेंजेस दिखाई पड़ने लगते हैं और हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते, फंक्शनल डैमेज। अब पैथोजन की जहां बात करते हैं, ये जो पैथोजन है इनकी तरफ से अगर सोचो तुम,
तो पैथोजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लो कोई पैथोजन है वो हमारे शरीर में मुंह में गया, तो मुंह के अंदर लाइसोजाइम वगैरह होते हैं सलाइवा में, वो उसको पनपने नहीं दे रहे वहां पे। पेट के अंदर चला गया, पेट के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट के अंदर तमाम तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनसे भी उसको निपटना है। अगर वो एसिड और एंजाइम्स वगैरह से निपट नहीं पाएगा तो मर जाएगा और इंफेक्शन नहीं कर पाएगा। तो पैथोजन को, जो बीमारी हम हमारे शरीर पे करते हैं, उनको भी तमाम दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो खाली हमारी है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये डेड लेयर होती है, ये मृत है, डेड लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इंफेक्शन करने वाले पैथोजन यहां पर आएंगे, स्किन से टकराते हैं, स्किन जो है कि ऊपर की लेयर डेड होने की वजह से वो हमें इंफेक्शन नहीं कर पाते। दूसरा मुंह के अंदर चले गए तो सलाइवा में लाइसोजाइम है, वो उनको मार देते हैं। पेट में चले गए, पेट में एसिड है और एंजाइम से, वो उनको मार देंगे। तो अगर पैथोजन को हमारे शरीर के अंदर जाके स्टैब्लिश करना, स्थापित करना अपने आप को, तो इन सभी बाधाओं से निपटना पड़ेगा, उसके शरीर को इन सभी चीजों से बचना होगा। तो वो भी अपने अंदर कई तरह के मॉडिफिकेशंस, यानी कई तरह के अडेप्टेशंस कर लेता है, और इन सभी बाधाओं से बचता हुआ हमारे शरीर के अंदर जाके स्थापित हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। तो पैथोजन हैव टू अडेप्ट लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजन को हमारे शरीर के अंदर जो वातावरण है उसके अनुसार अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो कह रहा कि पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। अगर पैथोजन को होस्ट के अंदर सर्वाइव करना है तो अपने अंदर अडेप्टेशन करना पड़ेगा, तभी वो जीवित रहेगा। जैसे कह रहा है द पैथोजन दैट एंटर द गट, वो पैथोजन जो हमारी आंत में जाता है, गट में, उसके पास तरीका होना चाहिए क्या? उसके पास, उसको तरीका मालूम होना चाहिए कि स्टमक के अंदर पीएच काफी ज्यादा है तो उसके अंदर कैसे बचना है, कैसे सरवाइव करना है, और पेट के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनसे कैसे बचना है, रजिस्ट करना है। अगर कोई पैथोजन हमारे पेट के अंदर आंत में गया है तो उसको आंत के अंदर जो पीएच कम है एसिड की वजह से, उससे बचने का तरीका मालूम होना चाहिए, उसमें उसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होंगे तभी वो बच पाएगा। और जो एंजाइम्स उसको पेट के अंदर डाइजेस्ट ना कर दें, डाइजेस्टिव एंजाइम कहीं उसी को ना हजम कर दें, तो उससे बचने के लिए भी उसके पास तरीका यानी अडेप्टेशंस वगैरह होना चाहिए, तभी वो हमारे शरीर में जाकर के बच जाएगा और जाकर के स्थापित हो पाएगा। तो पैथोजन के लिए भी दिक्कतें होती हैं, वो भी ध्यान रखना है। तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम यहां पर कुछ बीमारियों के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है। उनमें सबसे पहली बीमारी जो दे रखी है वो टाइफाइड है। कुछ बीमारियां किन किन माइक्रोब से होती हैं और कैसे संक्रमित होती है, कैसे एक दूसरे से व्यक्ति में जाती हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब दे रखा है। कुछ कॉमन डिजीजेस, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म किन ऑर्गेनिज्म से होती हैं, उनके सिम्टम्स और वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं, किसी एक व्यक्ति को कैसे हो जाती है वो बीमारी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इनमें सबसे पहले टाइफाइड दे रखा है। टाइफाइड को कहते हैं एंटरिक फीवर, आंतों का ज्वर, हमारी जो आंतें हैं उनका ज्वर कहलाता है, इसको एंटरिक फीवर कहते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की मदद से होती है बीमारी है। टाइफाइड के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया यह बीमारी पैदा करता है, टाइफाइड यानी एंटरिक फीवर। ये बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे चला जाता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, संक्रमित
भोजन और पानी के जरिए। ये बैक्टीरिया कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता है और ये दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है ब्लड के जरिए। जब ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो ब्लड के जरिए डिफरेंट ऑर्गन्स में भी चला जाता है। सामान्य लक्षण क्या है इसके, कॉमन सिम्टम्स, टाइफाइड जिसको हो जाता है, हाई फीवर आता है 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार होता है फॉरेनहाइट, ये सेंटीग्रेड में दे रखा है, ये फॉरेनहाइट। बहुत तेज बुखार आता है टाइफाइड फीवर, 102 से 103 डिग्री बुखार, ध्यान रखना। हाई फीवर, वीकनेस यानी कमजोरी आती है, स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, कब्ज हो जाता है, हेडेक यानी सरदर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, और लास्ट में ये बैक्टीरिया करता क्या है, जब आप इलाज नहीं कराएंगे तो ये बैक्टीरिया आपकी आंतों में छेद कर देगा, इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन का मतलब आंतों में छेद, आंते फट जाती हैं और डेथ हो जाती है। बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है ये, लेकिन इसका इलाज है एंटीबायोटिक्स की मदद से, दवाइयां दी जाती हैं। तो अगर ठीक से पूरा इलाज करना है एंटीबायोटिक्स से, एंटीबायोटिक्स वैसे तो इंट्रावेनस देंगे, नस के जरिए देंगे अगर दवा तो जल्दी असर करती है, तो एंटीबायोटिक्स के जरिए इस बैक्टीरिया को मारा जा सकता है और टाइफाइड से बचा जा सकता है, यह ध्यान रखना। लेकिन एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना होगा, यानी अगर डॉक्टर ने कहा है 10 दिन तक के लेनी है, 8-10 दिन तक के लेनी, तो 8-10 दिन तक के लेनी है एंटीबायोटिक्स। अगर 3 दिन लेने के बाद आप छोड़ देंगे या 1-2 दिन लेने के बाद आपने छोड़ दिया तो यह बैक्टीरिया बचा रह जाएगा अंदर और दोबारा फिर से टाइफाइड हो जाता है, रिलैप्स्ड बोलते हैं, रिलैप्स्ड, और घातक साबित हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो ध्यान रखना, टाइफाइड के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार आता है 102 से 103 डिग्री फॉरेनहाइट, कमजोरी आती है, पेट में दर्द होता है, कब्ज हो जाता है, सरदर्द होता है, भूख नहीं लगती, आंतों में छेद हो जाते हैं और डेथ हो सकती है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट होता है, खून की जांच होती है, इसे बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के माध्यम से पता लग जाता है टाइफाइड का संक्रमण है कि नहीं। तो विडाल टेस्ट या विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया के बारे में पता लगाने के लिए। एक लेडी हुआ करती थी मैरी मेलन, ये कुक थी, बावर्ची थी, खाना बनाती थी लोगों के लिए, इसको टाइफाइड था और इसको लोगों ने मैरी मेलन की जगह इसको टाइफाइड मैरी कहना चालू कर दिया, इसका निक नेम मैरी मेलन। जिसको टाइफाइड था वो कुछ लोगों के लिए खाना बनाती थी, खाने के जरिए बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो गया। कई सालों तक इसने बहुत खाना तैयार किया और उस खाने के जरिए दूसरों में टाइफाइड फैला दिया। तो मैरी मेलन को लोग टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। थोड़ी बहुत दवा लेती होगी, सही हो जाता होगा, फिर हो जाता होगा टाइफाइड। तो कई सालों तक ये खाना बनाया इसने और टाइफाइड को संक्रमित किया लोगों में। खाना बनाते समय टाइफाइड का बैक्टीरिया इसके शरीर से खाने में आ जाता होगा और खाने से लोगों में पहुंच गया। तो मैरी मेलन, जिसको टाइफाइड मैरी कहा जाता है, उसका जो कि एक बावर्ची थी, कुक थी, इसको टाइफाइड था और इसने लगातार कई सालों तक भोजन के जरिए लोगों में टाइफाइड को फैला दिया। आगे देखो, नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया जिस बैक्टीरिया से होती है,
उस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और एक और बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पहले इसको ध्यान रखो, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो गैसेस का आदान प्रदान करते हैं ब्लड के साथ, ये एल्वियोलाई हैं, हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, फेफड़ों में। इन एल्वियोलाइज में नॉर्मली एयर होती है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं ब्लड के साथ। तो इन एल्वियोलाई के अंदर एयर भरी रहती है, नॉर्मली एयर होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को निमोनिया हो गया है उसमें एयर की जगह पर लिक्विड आ जाता है। एयर की जगह क्या आ जाता है? एयर की जगह पर लिक्विड भर जाता है, फ्लूड। और सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, सांस लेने मुश्किल हो जाता है, और बच्चा जिसको हुआ उसकी डेथ भी हो सकती है निमोनिया से। तो बच्चे को डॉक्टर्स आजकल नेबुलाइजर वगैरह देते हैं, नेबुलाइजर मशीन के जरिए अस्थलीन है, ब्यूडेकॉर्ट, ये सुना होगा तुमने, याद नहीं करना है। नेबुलाइजर देते हैं, बच्चे को देखा होगा मास्क लगा देते हैं और धुआं धुआं निकलता है, कुछ दवा डाल देते हैं। नेबुलाइजर के जरिए ब्रोंको डायलेटर पहुंचाए जाते हैं, जो इन ब्रोंको डायलेटर का मतलब जो फैलाने का काम करते हैं अंदर चीजों को, जो हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स में कुछ हिस्सों को फैलाने का काम करते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो जाए और जान बच जाए। तो ध्यान रखना, निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है। ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को प्रभावित करता है, एल्वियोलाई भर जाते हैं, गेट फिल्ड विद, एल्वियोलाई एयर की जगह पर फ्लूड से भर जाते हैं, लिक्विड से भर जाते हैं। सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इंफेक्शन कैसे होता है? निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? जब कोई व्यक्ति खांसता है, कफ करता है, कफ, तो यह बैक्टीरिया लिक्विड की ड्रॉपलेट्स में हवा में आ जाता है, और दूसरे व्यक्ति जब सांस लेता है तो यह लिक्विड की ड्रॉपलेट्स, जिनको एरोसॉल्स कहते हैं, वो सांस लेने के जरिए स्वस्थ व्यक्ति में चली जाती हैं, हेल्दी पर्सन में चली जाती हैं, और वो भी बीमार हो जाता है। तो इन्फेक्शन, खांसने के दौरान हवा में जो छोटी छोटी बूंदें आ जाती है उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, उनको एरोसॉल्स कहते हैं, उनके जरिए फैलता है। तो इन्फेक्शन अकर्स बाय इनहेलिंग दी ड्रॉपलेट और एरोसॉल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो संक्रमित व्यक्ति है जब खांसता है तो ये बैक्टीरिया लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड की ड्रॉप में बैक्टीरिया हवा में आ जाता है, और इसको जो हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है सांस के जरिए, हवा के जरिए ये एरोसॉल्स उसके शरीर में चले जाते हैं। इसके अलावा टाइफाइड का इंफेक्शन, आपस में शेयर करने से ग्लासेस वगैरह, चश्मा वगैरह आपस में बदल लिया, यूटेंसिल्स, सामान वगैरह, जो मैडम मैरी मेलन थी वो कुक थी, खाना पकाने में जो सामान इस्तेमाल होता होगा, बर्तन वगैरह, उनके जरिए भी ये संक्रमित हो सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति का जो सामान है उससे भी फैल सकता है। नॉर्मली जो फैलता है वो एरोसॉल्स के जरिए, खांसने के दौरान ये एरोसॉल्स से जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ जाती हैं और हवा से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चली जाती हैं। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति के जो सामान वगैरह है उससे भी ये फैल सकता है। निमोनिया के लक्षण क्या क्या हैं?
निमोनिया के लक्षण क्या हैं? बुखार आता है, फीवर, चिल्स कहते हैं, जूड़ी लगना, कपकपी आना, जूड़ी, जूड़ी आना, कफ का मतलब खांसी, हेडेक का मतलब सरदर्द। तो बुखार, जूड़ी, खांसी और सरदर्द इसके लक्षण है। जब बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता, निबुलाइजर वगैरह भी इसको दिया नहीं गया है, तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी होने लगेगी। जो होंठ है और नाखून, ये नीले पड़ने लगते हैं, ग्रे या नीले पड़ जाते हैं, और जान भी जा सकती है। सीवियर केसेस में क्या होता है? लिप्स, होंठ, फिंगर नेल्स, नाखून, ये ग्रे या नीले पड़ जाते हैं। तो होंठ और नाखून नीले पड़ रहे हैं या ग्रे कलर के हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब शरीर में ऑक्सीजन कम है। लंग्स के एल्वियोलाई जो हैं वो उनमें फ्लूड भर गया है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये ध्यान रखना, भी हमने दो पढ़ी, दो डिजीजेस में हमने तुमको बताया, पहले टाइफॉइड बताया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफॉइड कैसे फैलता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर, संक्रमित भोजन और पानी से। इसके अलावा और भी चीजों से फैल सकता है, लेकिन मेनली फैलता है संक्रमित फूड और वाटर से, टाइफॉइड। टाइफॉइड में तेज बुखार आता है, पेट में गड़बड़ियां पैदा होती हैं, आंतों में परफोरेशंस भी हो सकते हैं। टाइफॉइड जो है, इसमें मैरी मेलन का ध्यान रखना, उसने कई लोगों को बीमार किया था, ये खाना बनाती थी, इसको खुद को टाइफॉइड था, यह भी ध्यान रखना। टाइफॉइड के लिए एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, खून की जांच, विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट कह लो, ठीक है। निमोनिया हमने बताया, ये भी बैक्टीरिया से होता है बीमारी, दो बैक्टीरिया यहां पर हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये बैक्टीरिया करता क्या है? जो लंग्स के एल्वियोलाई है जिनमें एयर होती है, इस बैक्टीरिया के संक्रमण के बाद, इंफेक्शन के बाद, एयर की जगह पे फ्लूड आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर होंठ और नाखून नीले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब शरीर में ऑक्सीजन कम पड़ रही है, बीमारी घातक हो रही है, जान जा सकती है। तो यह ध्यान रखना, टाइफॉइड भी इंफेक्शियस डिजीज है, संक्रमित हो जाती है भोजन और पानी से, और निमोनिया भी इंफेक्शियस डिजीज है, यह भी इंफेक्शियस है, यह भी एरोसॉल्स के जरिए जो छींकता है व्यक्ति, उसकी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाती है, उनमें बैक्टीरिया है, उसको इनहेल कर लेने से, अंदर सांस ले लेने से बीमारी हो सकती है। तो यह भी इंफेक्शियस डिजीज है, दोनों इंफेक्शियस थे, टाइफॉइड और निमोनिया। बैक्टीरिया से और भी बीमारियां होती हैं, एनसीईआरटी ने केवल नाम दिए हैं उनके, जिसमें डिसेंट्री है, डिसेंट्री मतलब लूज मोशंस होते हैं, दस्त आते हैं, दस्त, प्लेग, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, डिफ्थीरिया, गलघोटू, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। इनके बारे में अगर जानना चाहोगे तो लास्ट टाइम देखेंगे, बता देंगे थोड़ा थोड़ा। तो अभी हमने बैक्टीरियल डिजीजेस में पढ़ा टाइफॉइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थीरिया। आगे देखते हैं, कॉमन कोल्ड, सर्दी लग जाना। ये जो कॉमन कोल्ड है, एक वायरस के जरिए होता है, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड के लिए जिम्मेदार है। इसमें जो वायरस है, हमारी नाक के ऊपर असर करता है और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को, खास करके नाक और गले को प्रभावित करता है। लंग्स के संक्रमण नहीं होता, ये लंग्स को प्रभावित नहीं करता, ये ध्यान रखना। देखो, निमोनिया में लंग्स प्रभावित होते हैं, निमोनिया में लंग्स भी खराब होते हैं,
लेकिन कॉमन कोल्ड जो कि एक राइनो वायरस के जरिए होता है, इससे नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज गले तक संक्रमण होता है सिर्फ, लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचता इससे। ये भी इंफेक्शन कैसे होता है? एरोसॉल्स यानी ड्रॉपलेट्स के इनहेल करने से। एरोसॉल से होती है ना ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जैसे हमने निमोनिया में बताया था, वैसे यहां पर भी जब व्यक्ति खांसता और छींकता है, कफ का मतलब खांसना, स्नीज का मतलब छींकना, जब व्यक्ति खांसता है और छींकता है तो यह वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आ जाता है हवा में, एरोसॉल्स, और सांस लेने के दौरान ये हमारे शरीर में चला जाएगा तो हमें भी कॉमन कोल्ड हो सकता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो हो जाएगा। तो इन्फेक्शन अकर्स बाय इनहेलिंग दी ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता और छींकता है तो यह वायरस ड्रॉपलेट्स यानी एरोसॉल्स में हवा में आ जाता है और सांस लेने के दौरान एक स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है, एक हेल्दी पर्सन में अंदर चला जाता है सांस लेने के दौरान। इसके अलावा जो संक्रमण है ये संक्रमित चीजों के द्वारा भी हो सकता है, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति का कॉन्टेमिनेटेड पर्सन का पेन यूज करने से, किताबें यूज करने से, कप्स यूज करने से, डोर के नॉब, दरवाजे के नॉब जिस पकड़ के खोलते ना दरवाजा, किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है, अगर आप जाके पकड़ लोगे तो वायरस आपके हाथ में चिपक जाएगा, आपको भी बीमारी हो सकती है। कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, तो ये सारी चीजें अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छुई हैं और आप भी उनको छू लोगे तो आप में संक्रमण आ सकता है, आप में इन्फेक्शन आ सकता है। तो कॉमन कोल्ड एक वायरस से होती है, इस वायरस का नाम है राइनो वायरस। ये हमारे नाक और गले को तो प्रभावित करता है लेकिन लंग्स को नहीं करता, फेफड़ों को नहीं करता। संक्रमण यानी इन्फेक्शन कैसे होता है? छींकने और खांसने के दौरान जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स यानी एरोसॉल्स हैं उनको इनहेल करने से और संक्रमित व्यक्ति का सामान इस्तेमाल करने से। सामान्य लक्षण क्या है, कॉमन सिम्टम्स इस बीमारी के? नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है या डिस्चार्ज, पतली पतली नाक बहती है, नाक बंद हो जाती है और पतली पतली नाक बहती है। सोर थ्रोट, गला सूख जाता है। होर्सनेस, आवाज भारी हो जाती है। कफ का मतलब खांसी आती है। स्नीजेस यानी छींके भी आती हैं। सर में दर्द होता है। टायर्डनेस यानी थकान होती है, थकान। ये सारे लक्षण हैं, तो ये ध्यान रखना। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, ये वायरस हमारी नाक और गले को प्रभावित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं करता। छींकने और खांसने के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीजों से भी चलाता है। नाक बंद हो जाती, पतली नाक बहती, डिस्चार्ज, गला सूखता है, आवाज भारी होती है, खांसी और छींके आती हैं, सर दर्द होता और थकान होती है। ये लक्षण 3 से 7 दिन में समाप्त हो जाते हैं। यानी अगर आपको बुखार आया तो आपने सिर्फ पैरासीटामोल ले ली या कोई एंटी एलर्जिक ले ली जैसे कि सेट्रेजीन वगैरह, तो 3 से 7 दिन में ये बुखार सही हो जाता, अपने आप सही हो जाएगा, कोई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि वायरस जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते हैं। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां होती हैं वो बैक्टीरिया के लिए होती हैं। एंटीबायोटिक्स डू नॉट किल वायरसेस, ये वायरसेस को नहीं मार पाती। तो जब कॉमन कोल्ड है तो एंटीबायोटिक्स दवाइयों का कोई असर नहीं होगा, इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स वायरसेस को नहीं मार पाती है, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाइयां होती हैं, जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है, इनमें तो चलेंगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा, मलेरिया। मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है
मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो क्लास स्पोरोजोआ का है। क्लास स्पोरोजोआ, क्लास स्पोरोजोआ, ये ध्यान रखना। अलग अलग तरह के मलेरिया होते हैं जो प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज की मदद से चलते हैं, होते हैं। तो कई तरह के मलेरिया होते हैं जो प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज से होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से टर्चियन मलेरिया होता है। टर्चियन मलेरिया, टर्चियन मलेरिया का मतलब बुखार 3 दिन बाद आता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई से क्वार्टन मलेरिया होता है। क्वार्टन, 4 दिन बाद बुखार आता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से सेरेब्रल और मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। सेरेब्रल और मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। दिमागी बुखार आ जाता है और घातक वाला मलेरिया होता है। तो सबसे घातक वाला जानलेवा मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। सेरेब्रल, जिसका असर दिमाग पे होता है, और मैलिग्नेंट है, ये ज्यादा घातक होता है, जानलेवा हो सकता है। तो मलेरिया कई तरह का होता है जो अलग अलग प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से टर्चियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया से क्वार्टन मलेरिया, और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से सेरेब्रल और मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। सबसे खतरनाक कौन सा मलेरिया है? कहोगे मैलिग्नेंट मलेरिया। ये किससे होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से। इसको मैलिग्नेंट या सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। ये मोस्ट सीरियस, सबसे घातक मलेरिया है और जानलेवा भी है, इवन फेटल। ये जानलेवा है, सबसे घातक और जानलेवा मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है, जिसे सेरेब्रल या मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। लाइफ साइकिल दे रखी है, पहले पढ़ देख लेते हैं वहां पर हम लोग डायग्राम में। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया 8.1 फिगर, इसमें इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं जरा। ये है, इस लाइफ साइकिल में देखो, ये दे रखी है मलेरिया की लाइफ साइकिल। तो जब एक मॉस्किटो आता है, मॉस्किटो में फीमेल एनोफिलीज है। मॉस्किटो में कौन सा? फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर। जब काटता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो किसी हेल्दी पर्सन को जब ये मच्छर काटता है, तो उसके ब्लड में स्पोरोजोइट डाल देता है। तो ब्लड सक करने के दौरान ये क्या डाल देता है उसके ब्लड में? स्पोरोजोइट्स। तो फीमेल एनोफिलीज किसी हेल्दी व्यक्ति के ब्लड में काटने के दौरान स्पोरोजोइट डाल देता है। तो ये स्पोरोजोइट किस में चले जाते हैं? ये हेल्दी व्यक्ति के ब्लड में आ जाते हैं। स्पोरोजोइट्स को कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। संक्रमण इन्हीं से शुरू होता है, इन्हीं से इंफेक्शन शुरू होता है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की ये इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्हीं से ही संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। तो जब फीमेल एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उसके ब्लड में स्पोरोजोइट को डाल देता है। स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज है और ये हसिया के आकार के होते हैं। ये सिकल शेप्ड होते हैं। कैसे हैं ये? ये सिकल शेप्ड होते हैं।
सिकल शेप्ड है। ये स्पोरोजॉइड सबसे पहले जिस ऑर्गन में जाते हैं वो लीवर, इनिशियली दे इन्फेक्ट लीवर, ये यकृत है लीवर में, ये लीवर की सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो स्पोरोजॉइड्स ये ब्लड के जरिए पहुंचते हैं लीवर में, ये ब्लड के जरिए कहां पहुंचे, लीवर में, लीवर में ये मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली, अलैंगिक जनन के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लीवर की सेल्स के अंदर ये लीवर सेल है, लीवर की सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और जब लीवर की सेल फटती है तो ये बाहर निकलते हैं। अब इन्हें बोलते हैं क्रिप्टोजॉइड, ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड्स हैं ये कहलाते हैं क्रिप्टोजॉइड्स। कई तरह के क्रिप्टोजॉइड्स होते हैं, मीरो क्रिप्टोजॉइड, मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइड्स, ये मत याद करो, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तो लीवर सेल्स के अंदर ये पैरासाइट स्पोरोजॉइड के रूप में ब्लड में आया, ब्लड से लीवर में गया, लीवर में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई किया और क्रिप्टोजॉइड्स में बदल गया। लीवर सेल बस्ट कर जाती, फट जाती है और ये क्रिप्टोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं। ये क्रिप्टोजॉइड्स दोबारा से नई लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ये न्यू लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये क्रिप्टोजॉइड नई लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं जिससे कि लीवर हमारा बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। लीवर प्रभावित होगा, भूख वगैरह तो लगेगी नहीं। फिर कुछ क्रिप्टोजॉइड्स आरबीसी में चले जाते हैं, कुछ क्रिप्टोजॉइड्स किस में चले जाती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स यानी हमारी इरिथ्रोसाइट्स में चले जाते हैं और वहां पर भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वहां पर भी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और जब आरबीसी फटती है तो ये बाहर निकलते हैं। लेकिन पैरा ये जो क्रिप्टोजॉइड आरबीसी में चले गए थे, पैरासाइट गया था क्रिप्टोजॉइड के रूप में आरबीसी के अंदर, जहां पर जाकर के ये मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और कौन से रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं आरबीसी के अंदर। साथ ही साथ आरबीसी के अंदर एक तरह के टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, हीमेजोइन ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। आरबीसी के अंदर ये विषैले पदार्थ पैदा हो जाते हैं, ग्रेन्यूल्स, दाने दाने। तो जब आरबीसी फटती है तो ये क्रिप्टोजॉइड्स बाहर निकलते हैं, ये जो पैरासाइट है ये जो क्रिप्टोजॉइड्स के फॉर्म में है, आरबीसी फटने के बाद ये बाहर निकलता है। साथ ही साथ ये जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बहुत ही विषैले होते हैं, वेरी टॉक्सिक, ये जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये हीमेजोइन ग्रेन्यूल, ये भी आरबीसी से बाहर निकलते हैं। जैसे ही आरबीसी फटती है और हीमेजोइन ग्रेन्यूल्स बाहर निकलते हैं तो जूड़ी लगकर के बुखार आता है। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, ये पैरासाइट जो कि क्रिप्टोजॉइड के फॉर्म में अंदर गया था, आरबीसी के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता है, बस्टिंग दी रेड ब्लड सेल, आरबीसी फट जाती है एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, और बुखार और दूसरे लक्षण पैदा होते हैं। ये वाली साइकिल कहलाती है आरबीसी साइकिल। आरबीसी के अंदर जो साइकिल चलती है ये कहलाती है आरबीसी साइकिल। आरबीसी के अंदर पैरासाइट अपनी संख्या को बढ़ाता है एसेक्सुअली और हीमेजोइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं जो कि बहुत विषैले होते हैं। आरबीसी जब फटती है तो बुखार आता है और भी लक्षण आते हैं, जूड़ी लग करके बुखार आता है। ये जो आरबीसी साइकिल है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 3 दिन में ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है आरबीसी साइकिल। ये आरबीसी साइकिल जो है यानी बस्ट होती है, आरबीसी बस्ट होती है,
ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है, किसमें? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। इसलिए 3 दिन बाद जुड़ी लग के बुखार आता, टर्शियन मलेरिया हमने बताया था तुमको, 3 दिन बाद बुखार आता। 4 दिन में आरबीसी साइकिल पूरी होती है, यानी 4 दिन बाद बुखार आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया में या मलेरियाई, इसमें 4 दिन बाद बुखार आता है क्योंकि आरबीसी साइकिल इसमें कंप्लीट होती है 4 दिन में। तो ये साइकिल जैसे कंप्लीट होती है तो उसी हिसाब से बुखार आता है जब आरबीसी फटती है और हिमेजोइन ग्रेन्यूल्स जो बहुत विषैले हैं ये बाहर निकलते हैं। तो इसमें देखो आगे क्या दे रखा है, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। जो ये रिलीज्ड पैरासाइट आरबीसी के फटने से जो ये जो पैरासाइट बाहर निकला है ये न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, ये नई आरबीसी पे इन्फेक्शन करता है और फिर शुरू करता है आरबीसी साइकिल। फिर 3 दिन बाद आरबीसी फटती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और 4 दिन बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया में। और जब आरबीसी फटती है हीमाजोइन ग्रेन्यूल्स बाहर आते हैं और बुखार आता है। तो बुखार किस साइकिल के बाद आता है? आरबीसी साइकिल के बाद। आरबीसी फटने के बाद जब पैरासाइट बाहर निकलता है तो वो नई आरबीसी में जाकर के उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है और फिर 3 या 4 दिन बाद वो फटती है और फिर बुखार आता है। तो बुखार जो आता है वो आरबीसी साइकिल कंप्लीट होने के बाद, आरबीसी जब फटती है और हीमोजोइन ग्रेन्यूल जब बाहर निकलते हैं तब बुखार आता है जुड़ी लग करके। अब क्या होता है कि कुछ पैरासाइट क्या करते, क्या है, कुछ पैरासाइट तो आरबीसी साइकिल में चले गए, वो उसको चलाते रहते हैं, नई नई आरबीसी को के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और आरबीसी साइकिल को रन करते हैं। लेकिन कुछ पैरासाइट आरबीसी में गैमीट में बदल जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बना लेते हैं। कुछ पैरासाइट आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण करते हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। तो पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम के गैमीट्स कहां बनते हैं? हमारी आरबीसी में बनते हैं। लेकिन फर्दर गैमीट के डेवलपमेंट के लिए, गैमीट के आगे के डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, कम तापमान चाहिए, जो हमारे शरीर में नहीं होता क्योंकि हम लोग गर्म खून वाले हैं, होमियोथर्म्स हैं, हमारे शरीर का तापमान कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो गैमीट्स के फर्दर डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के लिए ठंडा खून चाहिए। ठंडा खून मच्छर में होता, मच्छर कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइक्लोथर्म है, हम लोग होमियोथर्म है गर्म खून वाले, मच्छर पॉइक्लोथर्म्स हैं ठंडे खून वाले हैं। तो गैमीट के डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कम तापमान चाहिए जो मच्छर के शरीर में उपलब्ध है, हमारे शरीर में नहीं है। तो फिर मच्छर ये हमको काटता है, जब ये मच्छर दोबारा काटता है तो जब ये खून को चूसता है, ये ब्लड को जब सक करता है, चूस रहा है, तो गैमीट्स भी चले जाते हैं अंदर। इन गैमीट्स को बोलते हैं गैमीटोसाइट्स, सेल के साथ जा रहे हैं, आरबीसी के अंदर हैं, तो इन गैमीट्स को सेल्स के साथ क्या बोलते हैं? गैमीटोसाइट्स। गैमीट्स के डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, जो मच्छर के शरीर में होता है क्योंकि मच्छर कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे खून वाला है जानवर। जब मच्छर काटता है तो ब्लड के साथ साथ ये गैमीट्स जो होते हैं, जो आरबीसी के अंदर यानी गैमीटोसाइट्स, ये ब्लड के साथ साथ ये गैमीट्स मच्छर की इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमीटोसाइट्स विद ब्लड मील, ब्लड मील के जरिए, यानी ब्लड जब वो सक कर रहा था तो ब्लड के जरिए गैमीटोसाइट मच्छर की इंटेस्टाइन में आ जाते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है मेल और फीमेल गैमीट का? ये इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन दी मॉस्किटोज इंटेस्टाइन, मच्छर की आंत में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है।
फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। ये फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, मच्छर की आंत में होता है, क्योंकि गैमेट्स के डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, कम तापमान जो मच्छर के शरीर में उपलब्ध है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट कन्वर्ट होता है पहले ऊकाइनेट में, ऊकाइनेट कन्वर्ट हो जाता है ओसिस्ट में। तो जाइगोट ऊकाइनेट में बदलता है, ऊकाइनेट बदल जाता है ओसिस्ट में। ओसिस्ट से आंतों की दीवारों से चिपकी रहती है ओसिस्ट, और ओसिस्ट के अंदर डेवलप कर जाते हैं स्पोरोजोइट। ओसिस्ट के अंदर डेवलप कर जाते हैं स्पोरोजोइट्स, यानी इंफेक्टिव स्टेज। ओसिस्ट के अंदर देखो, ओसिस्ट है ये, इसके अंदर ढेर सारे स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। ये स्पोरोजोइट चले जाते हैं सलेवरी ग्लैंड में, ये सलेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, मच्छर की सलेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और सलेवरी ग्लैंड से जब ये मच्छर काटता है किसी हेल्दी व्यक्ति को, तो काटने के दौरान ये स्पोरोजोइट्स हेल्दी व्यक्ति के ब्लड में चले जाते हैं। तो स्पोरोजोइट्स को हम लोग कहते हैं इंफेक्टिव स्टेज। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होती है। मैच्योर इंफेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्पोरोजोइट ओसिस्ट जो कि इंटेस्टाइन की दीवार से चिपकी है, यहां से स्पोरोजोइट निकलते हैं। जो मैच्योर इंफेक्टिव स्टेज है, ये स्पोरोजोइट यहां से निकलते हैं और कहां आते हैं? एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड, मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और सलेवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से जब ये मच्छर काटता है किसी व्यक्ति को, तो काटने के दौरान ये उस व्यक्ति के ब्लड में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल पूरी होती है। सवाल क्या क्या है इससे? इससे दो तीन तरह के सवाल आए हैं। प्लाज्मोडियम की इंफेक्टिव स्टेज क्या है? तुम कहोगे स्पोरोजोइट। सबसे पहले ये प्लाज्मोडियम हमारे किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? लिवर, जहां पर ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। बुखार कब आता है? आरबीसी साइकिल कंप्लीट होने के बाद, जब आरबीसी फटती है और हीमाजोइन ग्रेन्यूल बाहर निकलते हैं। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 3 दिन में, और प्लाज्मोडियम मलेरिया में 4 दिन में। गैमीट्स कहां बनते हैं? आरबीसी के अंदर। मेल और फीमेल गैमीट प्लाज्मोडियम के बनते हैं। गैमीट्स के डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो मच्छर दोबारा काटेगा आदमी को, तो ये ब्लड के साथ साथ ये गैमीट उसके आंत में पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? मच्छर की इंटेस्टाइन में, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट ऊकाइनेट, ऊकाइनेट से ओसिस्ट। ये इंटेस्टाइन की वॉल से चिपके हुए हैं। ओसिस्ट के अंदर जो स्पोरोजोइट मैच्योर हो जाते हैं, वो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, लार ग्रंथियों में, वहां पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो काटने के दौरान इन स्पोरोजोइट को स्वस्थ व्यक्ति के, हेल्दी पर्सन के ब्लड में डाल देती है। ये लाइफ साइकिल देखिए। इस पूरी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं। तो ये जो मलेरिया की, जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है 2 होस्ट। इसमें 2 होस्ट हैं, 2 होस्ट होते हैं, इसलिए डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है? प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज है। पहला होस्ट क्या है? प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हो गया मैन या ह्यूमन बीइंग, और सेकेंडरी होस्ट होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट है।
ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट मॉस है, तो ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। एक देसी दवा दी जाती है मलेरिया के इलाज के लिए, हिंदी में उसे कुनैन कहते हैं, कुनैन। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्यूनीन कहते हैं, क्यूनीन। ये पौधे की छाल से निकलती है, बार्क ऑफ सिंकोना, बार्क ऑफ सिंकोना। बहुत ही कड़वी दवा होती है, सिंकोना की छाल से निकलती क्यूनीन एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन ये कोरोना वायरस के संक्रमण में भी थोड़ा बहुत असर करती है। अमेरिका ने इंडिया से ली थी क्यूनीन, ये ध्यान रखना, हाइड्रोक्सीमिथाइल क्यूनीन। तो ये ध्यान रखना है सारी बातें, एक बार पढ़ लेते हैं, देखना चाहो देख लो। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइट। मच्छर काटने के दौरान इन स्पोरोजोइट को हमारे ब्लड में डालता है। दीज स्पोरोजोइट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। संक्रमित फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब हमें काटता है तो हमारे ब्लड में स्पोरोजोइट को डाल देता है। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल। सबसे पहले यह परजीवी हमारी यकृत की कोशिकाओं में लिवर की सेल्स को इंफेक्शन करता है और इसके बाद आरबीसी पे अटैक करता है, जिससे कि लिवर की सेल भी फटती हैं और आरबीसी भी फटती है। तो इनिशियली ये इन्फेक्ट करता है लिवर की सेल्स को, जहां पर ए सेक्चुअली मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। फिर यह इंफेक्शन करता है आरबीसी पर, वहां पर भी ए सेक्चुअली मल्टीप्लाई करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। बुखार कब आता है? द रप्चर ऑफ आरबीसी कॉज रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस नोन एज हीमोजोइन। आरबीसी फटने से एक बहुत ही विषैला पदार्थ बाहर निकलता है, उस विषैले पदार्थ को हीमोजोइन कहते हैं, जो कि जूड़ी के लिए जिम्मेदार है। जूड़ी लग करके बुखार आता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल, जूड़ी के लिए जिम्मेदार होता है हीमोजोइन। और तेज बुखार आता है, हाई फीवर, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 3 दिन बाद और प्लाज्मोडियम मलेरिया में 4 दिन बाद बुखार आता है। जब आरबीसी फटती है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो जूड़ी लग करके तेज बुखार आता है 3रे या 4थे दिन। मेल और फीमेल गैमिट जो है वो आरबीसी में बनते हैं, ये भी पूछा गया है सवाल। मेल और फीमेल गैमिट से डेवलप कहां करते हैं? आरबीसी में। लेकिन आगे के डेवलपमेंट के लिए इनको लो टेम्परेचर चाहिए, वो मच्छर के शरीर में मिलेगा, देखते हैं। व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब ए फीमेल एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो मॉस्किटो के शरीर में आ जाते हैं, शरीर में समझ लो उसकी आंतों में आ जाते हैं। तो जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, किसी इंफेक्टेड पर्सन को काटती है, तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उस मॉस्किटो के बॉडी यानी उसके इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स रिक्वायर लो टेम्परेचर। मेल और फीमेल गैमिट के डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, विच इज अवेलेबल इन साइड मॉस्किटो, जो मॉस्किटो में उपलब्ध है, मच्छर में उपलब्ध है, क्योंकि मच्छर कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे खून वाला है। गैमिट्स फर्टिलाइज करते हैं और जायगोट बनाते हैं मॉस्किटो के गट यानी इंटेस्टाइन में। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मच्छर के इंटेस्टाइन में होता है, जायगोट बनता है। जायगोट से हमने बताया था ऊकाइनिड, ऊकाइनिड से ऊसिस्ट बनता है, तो ऊसिस्ट बन गया। ऊसिस्ट के अंदर बन जाते हैं ढेर सारे स्पोरोजोइट्स, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज भी हैं।
इन्हीं से संक्रमण शुरू होता है। ये स्पोरोसाइट्स जो होते हैं ये आकर के इकट्ठा हो जाते हैं लार ग्रंथियों में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये स्पोरोसाइट्स आकर के स्टोर हो जाते हैं। जब ये मॉस्किटो किसी स्वस्थ हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो ये स्पोरोसाइट उसके ब्लड में चले जाते हैं, उसके शरीर में चले जाते हैं। तो स्पोरोसाइट्स को कहा जाता है इन्फेक्टिव स्टेज, इन्हीं के जरिए संक्रमण फैलता है। मलेरिया पैरासाइट को चाहिए दो होस्ट, ये डाइजेनेटिक होता है, जो प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी होस्ट होता है मॉस्किटो। तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, ऐसी लाइफ साइकिल को बोलते हैं डाइजेनेटिक। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक होस्ट भी है, सेकेंडरी होस्ट है, साथ ही साथ वेक्टर भी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी ले जाने का काम भी करता है, तो यह वेक्टर भी है। वेक्टर मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट, बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने की जिम्मेदारी भी इसकी है। तो एनोफिलिस मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट होने के साथ साथ वेक्टर भी होता है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी को फैलाने में मदद करता है। आगे देखते हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने टाइफाइड पढ़ी जो कि बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद हमने निमोनिया पढ़ा, यह भी दो बैक्टीरिया की मदद से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसके बाद एक वायरल डिजीज पढ़ी कॉमन कोल्ड, जो कि राइनो वायरस से होती है, जो किससे होती है, राइनो वायरस। इसके बाद हम लोगों ने मलेरिया पढ़ा, मलेरिया जो होता है ये एक प्रोटोजोआ की मदद से होता है, वो है प्लाज्मोडियम। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अमीबियासिस। अमीबियासिस यानी अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा से होने वाली पेचिस, डिसेंट्री लूज मोशन या पेचिस वगैरह कह लो। अमीबियासिस यानी अमीबिक डिसेंट्री एक प्रोटोजोआ से होती है, उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोआ है, लेकिन ये प्रोटोजोआ कहां होता है, हमारी बड़ी आंत में, छोटी आंत में नहीं है, ये बड़ी आंत का परजीवी है, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबिक डिसेंट्री यानी अमीबियासिस एक अमीबा करता है, ये अमीबा हमारी बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का के अंदर है ये। इंफेक्शन कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है, गंदा पानी पीने से या गंदा भोजन खाने से, संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन से होता है, और उस पानी और भोजन का संक्रमण मल के द्वारा हुआ है, फीकल मटेरियल के द्वारा संक्रमित है। और ऐसा कैसे हो जाता है, मक्खियों के द्वारा, घर में जो पाई जाती है हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई क्या करती है, ये पॉटी के ऊपर बैठती है, मल के ऊपर, और मल से खाने या पानी के को संक्रमित करती है, खाने या पानी पर आकर के बैठती है, ग्लास वगैरह पे, वहां से संक्रमण होता है। जब ये मल के ऊपर बैठती फीकल मटेरियल के ऊपर, तो उस मल के अंदर, उस पॉटी के अंदर क्वाड्री न्यूक्लियस सिस्ट होती है, क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट होती है। ये इंफेक्टिव स्टेज है इस पर, इसकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट, एक ऐसी सिस्ट होती है इसमें चार न्यूक्लियस होते हैं, एक सिस्ट होती है जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, चार। ये सिस्ट जो होती है ये फीकल मटेरियल में होती है, ये पॉटी के अंदर रहती है सिस्ट। जब ये मक्खी बैठती है पॉटी के ऊपर, तो ये सिस्ट उसके पैरों में चिपक जाती है, और वहां से ये सिस्ट पानी और भोजन को कॉन्टेमिनेट करती है, संक्रमित करती है। तो संक्रमण मक्खियों के द्वारा होता है,
फीकल मटेरियल यानी पॉटी के जरिए, ये मक्खी पॉटी के जरिए क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट को पॉटी से पानी और खाने तक पहुंचा देती है, ऐसे संक्रमण होता है। तो क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट जो होती है इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी से संक्रमण होता है, मल के अंदर रहती है। लक्षण क्या है इस बीमारी के? कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाता है, ये कब्ज हो जाता है, पेट में दर्द होता है एब्डोमिनल पेन, क्रैम्स यानी ऐठन होती पेट में, मरोड़ होती पेट में, और जो पॉटी होती स्टूल उसमें ढेर सारा म्यूकस होता है, लसलसी चिपचिपी पॉटी होती है उसके अंदर म्यूकस बहुत सारा होता है और ब्लड भी होता है, ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, रुधिर के थक्के होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस बीमारी के लक्षण में कब्ज हो जाता है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है स्टूल यानी पॉटी के अंदर ढेर सारा म्यूकस होता है, इससे पॉटी लसलसी चिपचिपी चिकनी टाइप की पॉटी होती है, खूब सारा इसमें श्लेष्म बलगम जैसा निकलता है, श्लेष्म यानी म्यूकस निकलता है, और ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, रुधिर के थक्के होते हैं, इसमें बच्चों में अक्सर हो जाती है अमीबियासिस। तो ये ध्यान रखना, अमीबियासिस यानी अमीबिक डिसेंट्री ऑर्गेनिज्म क्या जिसकी मदद से होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रोटोजोआ है और लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन कोलन सीकम रेक्टम, ये तीन पार्ट है। इंफेक्शन कैसे होता है? गंदा पानी और गंदा खाना खाने से, जो कि मक्खियों द्वारा संक्रमित है, मक्खियां पॉटी के ऊपर बैठती, पॉटी से संक्रमण लेकर के आती हैं। लक्षण क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये ध्यान रखना, ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आगे देखते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एस्केरिस से होने वाली बीमारी है, एस्केरिस से होने वाली बीमारी होती है एस्केरियासिस। एस्केरिक एक पैरासिटिक नेमाटोड है, हमारी आंतों में रहता है और इसको राउंड वर्म कहते हैं, गोलकृमि। तो एस्केरिस एक पैरासिटिक नेमाटोड है जो हमारी आंतों में रहता है और इससे एक बीमारी होती है, वो कहलाती है एस्केरियासिस। होता कैसे बीमारी फैलती है? द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद फीसिस ऑफ द इंफेक्टेड पर्सन। जो संक्रमित व्यक्ति है वो खेतों में जाकर के जब पॉटी करते हैं, खुले खेतों में पॉटी करते हैं, तो पॉटी के साथ इसके अंडे बाहर आ जाते हैं। इस पैरासाइट के जो अंडे हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, पॉटी के साथ बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी संक्रमित होती है और बारिश के पानी के साथ ये अंडे जाते हैं तालाब वगैरह में, हमारा पानी संक्रमित हो जाता है और हमारे पौधे भी संक्रमित होते हैं, यानी सब्जियों के ऊपर भी इसके अंडे आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति खुले खेतों में शौच करते हैं, पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी के में अगर उनको ये बीमारी है, तो एस्केरिस के जो एग्स होते हैं ये पॉटी के जरिए मिट्टी में आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं और पौधों में, सब्जियों में, पौधे मतलब सब्जियों में। अब इन सब्जियों को हम ठीक से नहीं धोते हैं, कोई पालक है, जो सब्जियां हैं जिनको हम लोग खाते हैं, पालक है, मूली वगैरह है, अगर ठीक से नहीं, गाजर है, इनको ठीक से धो करके नहीं खाते हैं तो इसके अंडे हमारे पेट में चले जाते हैं और हम भी एस्केरियासिस के मरीज हो जाते हैं और इन अंडों से एस्केरिस पैदा हो जाते हैं। तो एस्केरिस से एक जो कि पैरासिटिक नेमाटोड है, इससे एस्केरियासिस होती है। संक्रमण कैसे होता है? मल के द्वारा, फीकल मटेरियल के द्वारा।
उस फीकल मटेरियल में एस्केरिस के एग होते हैं जो मिट्टी, पानी या सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इन्फेक्शन अकर्स बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर, संक्रमित पानी पीने से, तालाब वगैरह का पानी लोग पीते हैं, इसके अंडे बारिश के पानी के साथ घुल करके तालाब में चले जाते हैं, बारिश के पानी के साथ मूव करके तालाब में चले जाते हैं। इसके अलावा पानी के अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फलों और सब्जियों को ठीक से धो करके हम लोग नहीं खाते हैं तो इनके अंडे उनके जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। लक्षण क्या है एस्केरियासिस के? इंटरनल ब्लीडिंग, हमारे शरीर आंतों के अंदर ब्लीडिंग होती है, रक्त स्राव होता है, शरीर के अंदर रक्त स्राव होता है, पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, मांसपेशियों में दर्द होता है, मस्कुलर पेन, बुखार आ सकता है, फीवर, और ब्लीडिंग होने की वजह से अंदर रक्त स्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है, और कभी कभी एस्केरिस हमारी आंतों को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ये एस्केरिस बहुत सारे हो जाते हैं और आंतों का रास्ता बंद कर देते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब अंदर आंतरिक रक्तस्राव, मांसपेशियों में दर्द होता है, बुखार आ जाता है, भूख नहीं लगती है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, और ये हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं एस्केरिस। सेकेंडरी इंफेक्शन भी हो जाते हैं इनसे, सिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन होता है और ये सिस्ट आंखों में आ जाती हैं, सेकेंडरी पाथ, किसी दूसरे रास्ते से होती हुई आंखों में आके सिस्ट जमा हो जाती हैं। ये तुम्हारे इसमें देने रखा मत ध्यान देना, तुम इतना ही ध्यान देना। स्कूलों में एक दवा पिलाई जा रही थी बच्चों को, अभी सुना होगा तुमने, वो थी एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल या मिबेंडाजोल भी होती है, ये इन्हीं गोलकृमियों को मारने के लिए है, एस्केरियासिस के लिए दी जाती है, एस्केरियासिस से रक्षा करने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम। एस्केरियासिस का इलाज है, इस बीमारी का इलाज है, एक गोली दी जाती है, स्कूलों में खिलाई जा रही थी एल्बेंडाजोल या मिबेंडाजोल, ये दवा दी जाती है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि अभियान चला था स्कूलों में, ये कृमि नाशक दवा है एस्केरिस को मारने के लिए है। तो ये तुमने देखा। नेक्स्ट बीमारी है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। एलिफेंट यानी इस बीमारी को कहते हैं फील पांव, फील कहते हैं एलिफेंट को, पैर जो होता है वो हाथी जैसा काफी चौड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है, पैर फूल जाता है, एलिफेंटियासिस हाथी जैसा पैर हो जाता है, इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं। वुचरेरिया बैनकॉफ्टाई और वुचरेरिया मलाई जो कि पैरासिटिक नीमाटोड होते हैं, नीमाटोड का मतलब हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स का मतलब एसके हेलमिंथीज, तो वुचरेरिया बिल्कुल एस्केरिस के जैसा नीमाटोड है, वो भी एक गोलकृमि है, ये एस्केरिस भी हेलमिंथ है, ये भी एक हेलमिंथ है, एसके हेलमिंथीज फाइलम, ध्यान हो रहा होगा। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या वुचरेरिया मलाई, इनकी वजह से होता है एलिफेंटियासिस यानी फाइलेरियासिस। ये जो वुचरेरिया है ये एक तरह का पैरासिटिक नीमाटोड है या हेलमिंथ कहलाता है, जैसे कि एस्केरिस। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाती बीमारी? ये पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन बाय फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के जरिए बीमारी फैलती है। ये फीमेल एनोफिलीज भी हो सकती है और यहां पर क्यूलेक्स भी है, ये ध्यान रखना, क्यूलेक्स भी बीमारी फैलाता है। तो ये बीमारी फीमेल मॉस्किटो के जरिए, एनोफिलीज यानी और क्यूलेक्स के जरिए, और क्यूलेक्स की सारी वैरायटी नहीं है, क्यूलेक्स की कौन सी स्पीशीज,
क्यूलेस की सारी स्पीशीज नहीं, क्यूलेस की स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं जो इस बीमारी को एक हेल्दी व्यक्ति से, एक एक कॉन्टेमिनेटेड पर्सन से, संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति तक ले जाती हैं। तो क्यूलेस का कौन सी स्पीशीज है? क्विनक्यू फेसिएटस ऐसे बोलो। तो ये एनोफिलीज और क्यूलेक्स की स्पीशीज के जरिए ये बीमारी फैलती है। एक इंफेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में किसके जरिए जाती है? मॉस्किटो के जरिए, फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलीज और क्यूलेक्स, और क्यूलेक्स की ये स्पीशीज। कॉमन सिम्टम्स क्या है, सामान्य लक्षण क्या है? क्रोनिक इंफ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स, शरीर के अंग बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, बहुत फूल जाते हैं, पैर बहुत ज्यादा फूल जाता है। यह पैरासाइट कई सालों तक रहता है, आसानी से निकलता नहीं शरीर से, शरीर में कई सालों तक रहता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, जिनमें ये पैरासाइट परजीवी कई सालों तक रहता है। और ये कहां रहता है शरीर में? लिम्फैटिक वेसल्स में रहता है, शरीर के लोअर लिम यानी पैर, लोअर लिम हो गए पैर, ये हमारे लोअर लिम की लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर रहता है, जिसकी वजह से पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस बीमारी है। सामान्य लक्षण क्या है? बहुत ज्यादा फूल जाते हैं ऑर्गन जैसे पैर वगैरह, ये पैरासाइट शरीर में कई काफी सालों तक, लंबे समय तक रहता है, और हमारे लोअर लिम यानी पैरों के लिम्फैटिक वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स के अंदर रहता है। लिम्फ वेसल्स को ध्यान रखना, ये कई बार आया है। पैरों के साथ साथ जेनाइटल ऑर्गन्स भी प्रभावित हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड। जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटीज, जेनाइटल ऑर्गन भी हमारे इससे प्रभावित होते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। पैर के साथ साथ जेनाइटल ऑर्गन तक असर आ जाता है। आगे देखते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ध्यान रखना, वहां रहता है ये परजीवी। ये देखो इसका डायग्राम, ये डायग्राम देखो, इसका पैर देखो, ये काफी फूल गया है और इसके जेनाइटल ऑर्गन भी गड़बड़ हो गए, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर की लास्ट बीमारी है, ये है रिंगवर्म। रिंगवर्म कहते हैं दाद, खाज, खुजली, सुना होगा रिंगवर्म। गले वगैरह में देखोगे इस तरह के गोल गोल ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, ये रिंगवर्म, और इनमें खुजली होती है, गले में हो गया खुजली होती है। ये सबसे कॉमन इंफेक्शियस डिजीज है मैन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाती है। ये एक फंजाई के द्वारा होती है रिंगवर्म, वो फंजाई है कौन से जीनस के हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, इन जीनस के जो फंजाई होते हैं वो रिंगवर्म को कॉज करते हैं। हीट और मॉइस्चर, फंजाई को ग्रो करने के लिए गर्मी चाहिए और नमी चाहिए, तो गर्मी और नमी यानी बरसात के पीरियड में जब नमी ज्यादा होती है और उमस है, गर्मी है, तब यह बीमारी ज्यादा फैलती है। बारिश के दिनों में नमी ज्यादा होती है और खूब गर्मी भी है, उसमें उमस है, तो हीट और मॉइस्चर इस फंजाई को ग्रो करने में मदद करते हैं। ये फंजाई हमारे ग्रोइन, हमारे पैरों के बीच में जो होते हैं, यहां पर इस एरिया में पैरों के बीच में ग्रोइन में ये विकसित होता है, और टोस में उंगलियों के बीच बीच में, उंगलियों के बीच बीच में भी यहां पर भी ये जमा हो जाता है, पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली होती है, इससे खुजली पैदा होती है।
तो ये फंजाई जो है ये सरवाइव करता कहां पर रहता है, ये हमारे ग्रोइन में रहता है, पैरों के बीच में रहता है, और ये हमारे उंगलियों के बीच में रहता है, टोज में। इंफेक्शन कैसे होता है? इंफेक्शन जो होता है वो मिट्टी के थ्रू फैलता है। ये फंजाई हमारे शरीर पे आ जाता है मिट्टी के जरिए, मिट्टी में बच्चे खेलते हैं वहां से आ जाता है ये फंजाई, हमारी खाल वाल में चिपक जाता है या हमारे शरीर में आ जाता है, मिट्टी के जरिए आता है। संक्रमित व्यक्ति का तौलिया यूज करने से, टॉवल्स, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल्स यानी तौलिया यूज करने से, उसके कपड़े यूज करने से, उसका कंघा यूज करने से, तो संक्रमित व्यक्ति की चीजों से यह फैल जाता है। यह मिट्टी के जरिए हमारे शरीर में आ सकता है, या संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, कपड़े और कंघा वगैरह इस्तेमाल करने से आता है। कॉमन सिम्टम क्या है? ड्राई स्केली लीजन्स, खाल के ऊपर सूखे सूखे पपड़ी जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, गर्दन वगैरह पे, पैरों में सूखे सूखे धब्बे पड़ जाते हैं, सूखे पपड़ी जैसे धब्बे पड़ते हैं खाल के ऊपर, नाखून के पर, बाल के उपास, और उसमें खूब ज्यादा खुजली होती है, इंटेंस इचिंग, खुजली होती है। तो सूखे पपड़ी जैसे धब्बे पड़ जाते हैं खाल के ऊपर, नाखूनों के आसपास, बाल में, सर के बाल के पास, और उनमें खूब ज्यादा खुजली होती है। तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा कॉमन इंफेक्शियस डिजीज जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, रिंगवर्म। किसके जरिए होता है? फंजाई के जरिए। फंजाई कौन से जीनस के हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। गर्मी में और नमी में यह फंजाई बहुत तेजी से ग्रो करता है, बरसात में यह हमारे पैरों के बीच में, ग्रोइन में, और यह हमारे उंगलियों के बीच में, टोस में यह फंजाई अच्छे से ग्रो करता है, वहां पे संक्रमण करता है। मिट्टी के जरिए, तौलिए, कपड़े और कंघे, संक्रमित व्यक्ति के इन चीजों के जरिए भी ये फैलता है। सूखी पपड़ीदार खाल हो जाती है, नाखून के पास इसके लक्षण दिखते हैं, सर के बाल के पास लक्षण दिखते हैं, गर्दन वगैरह पे भी, और इनमें खूब सारी खुजली होती है, बहुत तेज खुजली होती है। तो ये बेटा हमने तुम्हें बताया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पहला लेक्चर। दो तरह की बीमारियां, इंफेक्शियस और नॉन इंफेक्शियस डिजीज। वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है इंफेक्शियस, जो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती नॉन इंफेक्शियस। अब इनमें जो बीमारी हमने बताई वो ज्यादातर इंफेक्शियस थी, ठीक। इसके अलावा वो ड्रग्स और वो दवाइयां या एल्कोहल जिनसे नशा होता है और आदत डालती है, निर्भरता होती है, जो हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करती हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर में बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।